हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर, अब हम लोग 12th क्लास के अंदर आ गए हैं और 12th क्लास के अंदर 11th का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको कैसे करें। अब इसमें दो तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हैं जिसके अंदर 11th का सिलेबस भी टेस्ट के अंदर आ रहा है, तो आप सिलेबस के हिसाब से करिए। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आप लोगों का 7 मई को टेस्ट है, संडे को टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर आप लोगों का फंक्शंस ITF के अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी आ रहा है क्योंकि वो रिलेटेड टॉपिक्स है, तो आप उस समय ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन भी करें। तो 11th का रिवीजन आप टेस्टिंग के साथ साथ कर सकते हैं, वरना आप लोग है ना थोड़ा सा पैटर्न बनाकर रिवीजन करें। अगर आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि बहुत टेस्ट सीरीज बहुत अमेजिंग है, तो आप लोग क्या करें, जो भी टेस्ट आप लोग देंगे, वैसे टेस्ट देना जरूरी है, हर 3 हफ्ते में टेस्ट देना जरूरी होता है। अगर आप नहीं दे रहे तो आप ऑलरेडी बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आप उन बच्चों में से हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इस वजह से टेस्ट नहीं देते कि सर हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे सिलेबस में ये प्रॉब्लम है, हमारे सिलेबस में वो प्रॉब्लम है। तो भाई, आप लोगों ने ये तो बहुत फेमस सेइंग है कि सिलेबस तो कभी कंप्लीट होता ही नहीं, तो सिलेबस कंप्लीट होने का इंतजार ना करें, टेस्ट दें। क्योंकि आपका सिलेबस तो दोस्तों JEE मेन के वक्त भी कंप्लीट नहीं होगा, JEE एडवांस के वक्त भी कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस आप लोग फील करेंगे ही सही। सो मेरा ये मानना है कि आप लोग को टेस्ट देना चाहिए। अब टेस्ट के अंदर अगर आपके पास सिलेबस नहीं है 11th का, तो आप लोग खुद से कुछ कुछ चैप्टर्स को डिवाइड करें। मेरा ये मानना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब भी डिफरेंशियल कैलकुलस का आपकी टेस्टिंग हो रही है, तो आप उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन भी रिवाइज कर लें। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटीग्रल कैलकुलस के साथ साथ आप लोग क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस सीरीज को डाल लें। उसके बाद अगर ITF की बात चलेगी, फंक्शन ITF, तो उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री को डाला जा सकता है। प्रोबेबिलिटी की जब टेस्टिंग होगी, तो उसके साथ आप लोग बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप लोग डाल सकते हैं। फिर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इन सब की जब टेस्टिंग चलती है, कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर, तो इनके साथ आपकी जो JEE मेन टॉपिक्स होते हैं उनको आप लोग डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पैटर्न बनाकर रिविजन कर सकते हैं। रिविजन करते वक्त आप लोग को एक खास चीज़ का ध्यान रखना है, एक बहुत सिस्टमैटिक 21-डे रूल होता है टेस्टिंग का। तो 21-डे रूल क्या कहता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपका 7 मई को टेस्ट है, तो उससे पहले वाला संडे 30 अप्रैल को आएगा, तो 1 मई से 6 मई तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक, आपको 7 मई के टेस्टिंग के लिए आपको रिवीजन शेड्यूल करना है। दिन में 2 से 3 घंटे आप रिवीजन करें, जितना रिवीजन हो पाए उतना करें। उस रिवीजन के अंदर सबसे पहले आप अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। जैसे मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंपाउंड एंगल्स वाला पार्ट आपका वीक है, तो पहले उसको रिवाइज करें। ऐसे नहीं कि सारा का सारा नोट्स रिवाइज करने बैठ गए, कभी भी रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा। सबसे पहले अपने वीक टॉपिक्स को रिवाइज करें, ताकि अगर आपके स्ट्रांग टॉपिक्स छूट भी जाते हैं किसी रीजन से, तो उनमें तो आपके नंबर आते ही हैं, तो वो तो आ ही जाएंगे फिर से। तो 1 से 6 तारीख तक आप ये करें। 7 तारीख को आपने टेस्ट दिया। अब 7 तारीख को जब आपने टेस्ट दिया, तो 7 तारीख के टेस्ट में के बाद आप लोगों को एक एनालिसिस करना है। कुछ क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे, सिली मिस्टेक्स हो गई होंगी कुछ के अंदर, और कुछ आपके कॉन्सेप्चुअली वीक होगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है। तो 7 तारीख के बाद 13 तारीख तक, 8 से 13, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये फिर से 6 दिन हो गए। 8 से 13 तारीख तक आप उन टॉपिक्स का रिविजन करेंगे जो टॉपिक्स आपके टेस्ट में गलत हुए, ठीक है। तो ये 7+7 डेज हो गए। अब 14 तारीख आ गई, 14 तारीख को फिर से संडे। भाई तुम्हारे अब करंट भी तो कुछ चल रहा होगा, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चल रहा होगा, लिमिट्स चल रहा होगा, जो भी चल रहा है उसका ढंग से होमवर्क करें। जो करंट चीज़ें चल रही है ना, उनको पकड़ने की कोशिश करें वीक 2 में, यानी कि 8 से 13 तो अपने रिविजन कर लिया, 14 मई को फिर से संडे, 15 मई से लेकर 20 मई तक आप लोग जो नॉर्मल चल रहा है वो करें। फिर 21 मई को संडे आ गया, उस समय आपका टेस्ट नहीं होगा। देखो 7 मई को टेस्ट था, तो 28 मई को टेस्ट होगा, इसका मतलब 22 मई से लेकर 27 मई तक फिर से आपको वापस से जो टेस्ट का सिलेबस है 28 का, उसके हिसाब से रिवीजन करना है। अगर आप ये 21-डे रूल फॉलो करेंगे, साइंटिफिक रूल है बिल्कुल, बहुत सारी कोचिंग्स, आप लोग सोचते होंगे बहुत सारी जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स है वो हर 21 दिन में टेस्ट क्यों कराती है, उसका रीजन यही होता है, यही साइंटिफिक रूल बहुत सारे बड़े टीचर्स आप लोगों को बताएंगे, नहीं बताया तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस 21-डे रूल को फॉलो करें आप लोग, जिससे आपका जो हर एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, या जो ड्रॉप दे रहा है ना बच्चा, उसके लिए जो पूरी
रिविजन है वो बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स क्रैक इट।